वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग इन माय फिफ्थ वीडियो वी हैव डिस्कस द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट्स आर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल पढ़ा था हमने इसमें वेलफेयर ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट का मतलब था कि लोगों के विल पावर पे डिपेंड करती है गवर्नमेंट यानी उनके वोट के पावर के ऊपर डिपेंड करती है सेकंड पॉइंट कहता है वेलफेयर ऑफ ऑल यानी सबके बारे में सोचती है रेस्पॅसिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार गवर्नमेंट है कोई भी काम करती है तो उसके लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉ का मतलब लॉज अच्छा बनता है चांसेस ज्यादा होती हैं क्योंकि डिस्कशन खूब सारा होता है इसमें पॉलिटिकल एजुकेशन पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स एजुकेटिव वैल्यू पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज मेक द पीपल इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकल कॉन्सियस यानी इलेक्शन के टाइम आप देखते हैं कि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टीवीज पे है, न्यूज आती है उनकी और कई बार आप आप देखते हैं कि मीटिंग्स भी होती हैं तो उससे नॉलेज बढ़ती है एंड बेस्ड ऑन लिबर्टी फर्टिनिटी एंड इक्वलिटी ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था पॉइंट कि ये गवर्नमेंट किस पे बेस है आपको लिबर्टी देती है फर्टिनिटी देती है और इक्विलिटी करती है लिबर्टी मतलब मैंने समझाया था आपको आजादी फर्टिनिटी मतलब बढ़ने का मौका देती है डेवलपमेंट करने का मौका देती है आपको और इक्विलिटी यानी आपको इक्वल करती है यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करती है ताकि आप इक्वल हो जाए इकोनॉमिकली सोशली और लॉ के सामने जैसा आपने पहले भी पढ़ा है लॉ के सामने सभी बराबर होते हैं लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक माई सेवेंथ फीचर इज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग ये मैंने पहले भी आंसर किया था डिसीजन मेकिंग क्यों इंप्रूव होता है तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन यानी मैंने आपको पहले समझाया था कि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस है कंसल्टेशन यानी आपसे पूछते हैं डिस्कस करते हैं उसके ऊपर बेस है सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग अ नंबर ऑफ पीपल पुट दे आर हैंड्स टूगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन यानी इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मिलते हैं पर्सन इन्वॉल्व होते हैं डिस्कशन करते हैं मीटिंग करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि कोई भी मिस्टेक होने की चांसेस सबसे कम होती है क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट जरूर निकलेगा थर्ड पॉइंट है एज मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई डिस्कशन इट रेड्यूस द चांस ऑफ रैश और इनरेस्पॉन्सिबल डिसीजन यानी ये कह रहे हैं कि जो डिस्कशन होता है उसमें काफी डिस्कशन होता है डिसीजन लेते समय बहुत डिस्कशन होता है इससे क्या होता है कोई भी जल्दबाजी नहीं हो पाती और इेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होता यानी सब जिम्मेदारी से काम करते हैं फोर्थ पॉइंट कह रहा है इफ द डिसीजन टेकन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विज ऑफ द पीपल दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट एंड दे कैन इवन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ इट जम्मू में जैसे पता है आपको अगर आप लोग उससे गवर्नमेंट के डिसीजन से एग्री नहीं होते हैं तो आप अपनी वोटिंग पावर को यूज करके गवर्नमेंट को बाहर कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी प्रोवाइड ऑल द सिटीजन सम बेसिक राइट थ्रू विच दे कैन गिव देयर ओपिनियन डेमोक्रेसी सबको एक राइट right देती है जिससे लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं विचार रख सकते हैं डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ चांस टू ऑल द सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड चेंज दम इफ दे टू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश डेमोक्रेसी आपको चांस देती है कि सिटीजन अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव सही से काम नहीं करते हैं तो उन्हें वो हटा सकते हैं थर्ड पॉइंट इन द पार्लियामेंट ऑल द मेम्बर्स हैव द राइट टू गिव देर ओपिनियन पार्लियामेंट में सभी को अधिकार है जितने भी मेंबर्स हम जीता के बेचते हैं तो वो अपने विचार रख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन द राइट टू फॉलो एनी रिलीजियस डेमोक्रेसी आपको चांस देती है किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं माई नाइन्थ फीचर इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज द पीपल टू करेक्ट इट्स मिस्टेक इन शॉर्ट डेमोक्रेसी आपको चांस देती है कि आप लोग मिस्टेक करते हैं तो उसे सुधार सकें जैसे फॉर एग्जांपल हमने राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा बीजेपी सरकार आई थी और उस बीजेपी सरकार के टाइम में आपने देखा होगा कि गुजर आंदोलन हुआ था गुजर आंदोलन ने काफी डिस्टर्ब किया था बीजेपी गवर्नमेंट को और इसके बीच में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के टाइम में भी प्याज की रेट बहुत बढ़ गई थी तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जिन पे ध्यान नहीं दिया था तो नेक्स्ट इलेक्शन पे वो हार गए थे दूसरी पार्टी को मौका मिल गया था जीतने का डेमोक्रेसी एनेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्विटीज सो ऑल सिटीजन वेदर रिच और पुअर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस यानी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेस है सबको पॉलिटिकल इक्विटी देती है यानी सबके वोट्स का इंपॉर्टेंस एक ही है चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो तो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर द रूलर्स देम यानी इसमें कह रहे हैं कि वो सिर्फ रूलर के अंडर में काम नहीं करते बल्कि वो खुद ही रूलर है वंस अगेन लुक एट द डिफाइन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें पीपल यानी राजा को कौन चुनता है पीपल यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैंने आपको मेरे वीडियो में भी बताया था रूलर्स कौन है जिसे हम इलेक्शन जिताते हैं इलेक्शन क्या होता है इलेक्शन मैंने कहा था आपको चैप्टर आएगा हमारा पोलिटिकल साइंस में इलेक्शन जो फ्री फेयर हो यानी सबको चांस मिले जीतने का और हारने का फॉर द पीपल पीपल्स कौन होते हैं हम लोग फाइनली वट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट बनती है गवर्नमेंट वो जो आपकी जिसे आप जीतना चाहते हैं वो अब वन वर्ड फर्स्ट है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स यानी रूलर्स वो होना चाहिए जो मेजर डिसीजन ले इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पाकिस्तान का 1999 में जब परवेज मुशरफ ने इलीगली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डाउन करके वो राजा बन गया था और उसने काफी साल तक शासन किया था लेकिन उसको बाद में हटना पड़ा था तो यहां पर कह रहे हैं कि क्योंकि उसको जनता ने नहीं जिताया था तो डिसीजन वही लेना चाहिए जिसको जनता ने जिताया हो यहां तो पर ये आपके एक क्लिप है कार्टून का कार्टून पिक्चर्स भी अच्छी तरह से देखनी क्योंकि आजकल क्वेश्चन पेपर्स में पिक्चर बता करके पूछते हैं कि ये क्या शो कर रहा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सीरिया में एंटर कर रही है तो वहां का जो डिक्टेटर है वो कह रहा है कि नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अ बाथ पार्टी इज दैट क्लियर तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो पार्टी है बाथ पार्टी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीरिया में बाथ पार्टी का शासन है तो डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि जब तक तो ये फॉर्म नहीं भरेंगे आप मेंबर नहीं बनेंगे तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन यानी सबको जीतने का चांस मिलना चाहिए चाइना में जैसे कहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम है वहां पर सिर्फ मेंबर्स ही चेंज होते हैं जैसे यहां लिखा हुआ इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी फाइव ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड क्वेंगो रनमीन डायबाओ दी

who are members of this communist party or eight smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3 the government is always formed by the communist party yahan par bhi keh rahe hain ki election mein keval communist party nikal rahi china ka example diya hai to ye democratic नहीं है. free and fair का meaning लास्ट में बता रखा है कि a democracy must be based on free and fair election jiska matlab hai उन्हें हारने का चांस होना चाहिए भी हार सके ये तो क्या होगा डेमोक्रेसी नहीं है फ्री फेयर इलेक्शन और हमेशा वही पार्टी जीत रही है नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू ये मैंने पहले भी बताया था आपको फ्यूचर के अंदर इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट है ईच वोट मस्ट है सभी लोगों के वोट का वैल्यू एक ही है चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे एक कॉमन पीपल हो जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसा हो नहीं होता है जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं है इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट स्टोनिया में कह रहे हैं कि सिटीजनशिप को लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है रशियन माइनॉरिटी जो रहती हैं जो रशियन नहीं है, है, है उन्हें बहुत अपना वोट देने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एट लास्ट कार्टून देखिए एट लास्ट वन मैन वन वोट आई लाइक इट बेटर वेन आई वॉज मैन एंड ये इराक में बता रहे हैं इराक में सद्दाम हुसैन था अगर आपने न्यूज पेपर पढ़ा हो ढंग से मैंने आपको पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है न्यूज़पेपर में से समझना है जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो वहां से रिलेटेड करना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है मैंने और जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी ये भी कहा था कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है पॉलिटिकल साइंस उसी को आगे शो करता है तो इसमें सद्दाम हुसैन का बता रखा है तो इस सद्दाम हुसैन कौन थे डिक्टेटर थे ये किसी और की चलने नहीं देते थे सारे डिसीजन खुद लेते थे तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी इसमें ये बताया गया कि इसमें जिम्बावे का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रेसिडेंट मोगी प्रेसिडेंट थे ये जैनफू पी पार्टी के थे और कंटिन्यू उन्होंने शासन किया था काफी साल तक और ये हट नहीं रहे थे एंड में ने एक प्रपोजल पास करके हटाया गया था लोगों ने तो ऐसा नहीं होता है जैसे हमने फ्री फेयर इलेक्शन में कहा था कि फ्री फेयर चांस होना चाहिए सबके लिए अब देखिए इस कार्टून में वाई टॉक अबाउट जिम्बावे आई रीड सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम मेनी पार्ट अवर ओन कंट्री वाई डॉट वी डिस्कस दैट ये कह रहे हैं जिम्बावे का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें हमने पढ़ी है तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझने के लिए इसलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए आगे बढ़ना है अपने को इस पिक्चर में देखिए कॉमन पीपल को डरा रखा है आर्मी ने इसमें याहू गूगल और ऐसे लिखा हुआ है यानी बिग पिग पावर्स का यानी अमेरिकन पावर्स को शो कर रहे हैं ये लोग डरा रहे हैं इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए कॉमन पीपल को अपनी राइट्स रखने के लिए आजादी मिलनी चाहिए लास्ट में लिखा हुआ है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट यानी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे एक्सप्लेन होता है कि लॉज क्या है सिटीजन्स के राइट्स क्या है जिसे उसे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है लेकिन ये डिक्टेटरशिप में ये सब चीजें नहीं होती हैं तानाशाही शासन में क्या होता है जैसे सद्दाम हुसैन ने अपनी मर्जी सब कुछ चेंज किया परवेज मुशरफ ने अपनी मर्जी सब कुछ चेंज किया जैसे अभी जिम्बाबे का एग्जाम्पल पढ़ा था तो प्रेसिडेंट मोगैम मुगें, मोगैम्बी ने भी अपने अकॉर्डिंग ही शासन चलाया था तो ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलती है जैसे हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है गवर्नमेंट अब इन्होंने समरी लिखा ली डेफिनेशन की समरी इज समरी डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलरस आर इलेक्टेड बाय द पीपल जो हमने डिस्कस कर लिया है जैसे इसमें लिखा हुआ रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन इलेक्शन चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलरस दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट तो ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा डेमोक्रेसी वट इज डेमोक्रेसी ये तो आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें डिस्कस करने पर अब वाई डेमोक्रेसी यानी आप डेमोक्रेसी ही पसंद क्यों करते हैं यहाँ पर देखिए हमने ये जो हमारा एक डिस्कशन है एलंडा है ना मैडम है इसमें मेरिट्स पूछ रही है यानी आप अच्छी बातें बताएंगे दूसरी गवर्नमेंट को कंपेयर करके बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें क्या होती आई वॉन्ट टू बी इन लिंगडो मैडम्स क्लास दैट शाउंड लाइक अ डेमोक्रेटिक क्लास रूम डिस्कशन पढ़ा था तो लिंगदो मैडम कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स की बात का क्रिटिसिजम नहीं करती थी एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती थी उनको तो यहां पर ये यह बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है एक सबसे बेस्ट होता है कि सबके ओपिनियंस को सुनती है और उसको बहुत अच्छी तरह से डील करती है तो ये डिस्कशन आप कुछ पढ़ लीजिएगा इसमें काफी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप पढ़िएगा थोड़ा सा क्योंकि आपको अपना एनालिसिस खुद करना है हम आपको गाइड कर सकते हैं लेट्स सी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उनका डिस्कशन क्या है यलंदा मैडम कह रही है डेमोक्रेटिक कंट्री वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी इज इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टू वी नीड टू डिबेट दिस ये कि डेमोक्रेसिक be nice कंट्री uh, का अभी देखें तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने इसको अपना लिया है जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी इसकी तारीफ कर रही हैं टैंगी नहीं कह रही हैं बट लिंग दो मैडम एवरी वन एल्स एक्सेप्ट इट इज पॉसिबल दैट एवरी वन इज पॉसिबल एवरी वन इज फॉलोइंग रॉन्ग पाथ ये कह रहे हैं कि जो चीज फेमस है जरूरी नहीं वो हमेशा सही हो जैसे हम कहते हैं कि मेजोरिटी हमेशा राइट नहीं होती है जरूरी नहीं है तो यहाँ पर भी यही कह रही हैं वो ये सभी लोग पसंद करें ऐसा जरूरी नहीं हम भी पसंद करें यस इट इज एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ ये गलत तरीका है वॉट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉड टू अवर कंट्री डेमोक्रेसी हमारे लिए क्या लाई है मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री वो कह रहे हैं कि इतना हाफ सेंचुरी हो चुका है हमारा अधिकतर और फिर भी गरीबी नहीं मिटी है रिबिया कह रही हैं बट वट वॉज डेमोक्रेसी गो टू डू विद इट कह रही कि डेमोक्रेसी इससे क्या करेगी क्या हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम क्या है? हैं डेमोक्रेटिक है वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाउस इन स्टेबिलिटी करप्शन एंड सी पॉलिटिशियंस फाइट अमॉन्ग दिल्व हु कंट्री ये कह रहे हैं कि कैसे हम कहें कि डेमोक्रेसी अच्छी है अभी तक वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस मतलब किस तरह से इसने हमारे को अलग किया है तो पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पॉइंट ये है कि ये अच्छी गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाउस डेमोक्रेसी क्या है सब चाउस के ऊपर है यानी चॉइस के ऊपर है इनस्टेबिलिटी आ रही है इसमें करप्शन हो रहा है हेपोक्रेसी हो रही है पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं और किसी की चिंता नहीं कर रहे कंट्री की ऑन सो वॉट शुड वी हैव इंस्टिड गो बैक टू द ब्रिटिश रूल इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री तो कह रहे हैं क्या क्या करें क्या पीछे जाए वापिस से राजा को बुलाएं या ब्रिटिशर्स को बुलाएं रोज आई डोंट नो आई थिंक वॉट दिस कंट्री नीड इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर सम वन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स विच शुड ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इट्स नीडेड इन कंट्री इंटरेस्ट दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्राम द कंट्री दिस कंट्री तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ रोज कह रही हूँ कि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जो डरे नहीं किसी से इलेक्शन election, मतलब इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट में आए इलेक्शन का डर नहीं है उसके माइंड में और वो अच्छे डिसीजन लेकर के कंट्री को आगे बढ़ाए और पॉवर्टी को दूर करे दैट इज समिक्टरशिप एक ने कहा कि अच्छा लीडर आए इसका मतलब तो डिक्टेटर एक ही होना चाहिए तो ये डिक्टेटरशिप है क्या हॉय व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली व्हाट इफ द करप्ट वट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ वो रहे हैं कि अगर एक ही पर्सन जीत अपनी पावर्स को यूज करेगा अपनी फैमिली के लिए तो क्या वो करप्ट नहीं होगा रोज आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड लीडर मैं मैं रोज ने कहा कि मैं एक अच्छे लीडर की बात कर रही जो सिंसियर हो हो समझदार हो, और स्ट्रॉन्ग लीडर हो ऑनेस्ट हो बट दैट इज नॉट फेयर यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद विदल डिक्टेटरशिप यानी आप क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं एक डेमोक्रेसी को एक आइडल डीटरशिप से एक अच्छी डिक्टरशिप से वी शुड कंपेयर एन आइडल विद एन आइडल हमें एक अच्छी आइडल से दूसरे आइडल को कंपेयर करना चाहिए गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टरशिप इन रियल लाइफ दे आर मोस्ट करप्ट सेल्फिश एंड ब्रूटल अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा डिक्टरशिप में ही करप्ट लोग मिलते हैं सेल्फिश मिलते हैं और ब्रूटल यानी वो निर्दयी होते हैं सोचते हैं नहीं किसी के लिए इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड वॉट इज वोर्स यू वॉन्ट हैन गेट रेड ऑफ दैम हम सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं करें हमें उसके बारे में जानना चाहिए वो कैसी है क्या है पूरी जानकारी होनी चाहिए तो यहां पर मैडम भी खुश होती हैं डिस्कशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो मैडम इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि हमें अभी डिस्कशन पे नहीं पहुंचे लेकिन हमें लग रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं दैट इज वेरी गुड आई साइन कि हमें हर चीज को सोच समझ के ही आगे फॉलो करना चाहिए बिना सोचे समझे किसी चीज को नहीं कॉपी करना चाहिए जैसे कि अभी देख रहे हैं हम इलेक्शन में भी हमें डिसीजन अपने माइंड से लेना चाहिए बहुत सोचना चाहिए कि, कि किसको हम वोट दें अपना नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी फर्स्ट ए लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी यानी इंस्टेबिलिटी होता है आप देखते हैं इलेक्शन होते रहते हैं लीडर्स हम बार बार चेंज होते हैं सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकली कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है कॉम्पिटिशन में कोई किसी के लिए सुनता नहीं है अपनी पावर शो करते हैं यहाँ पर मॉरलिटी नहीं होता यानी नैतिकता नहीं होती सो मैनी पीपल है डेमोक्रेसी डेट इट लीड्स टू डिले बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है धीरे धीरे काम होता है बहुत धीरे धीरे इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो देश इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट लेड्स टू बैड डिसीजन जिन लीडर को हम जिताते हैं वो क्या करते हैं उनके अंदर वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और डिसीजन उनके बेकार होते हैं डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोवल कॉम्पिटिशन डेमोक्रेसी में करप्शन होता है जैसा आप देखते हैं इलेक्शन में लोग चलाल देते हैं डराते हैं धमकाते हैं तो इस तरह से इलेक्शन होता है ऑर्डनरी पीपल डोंट नो वॉट इज गुड फॉर दैम देश शुड नॉट डिसाइड एनी थिंग ऑर्डनरी पीपल कहते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बिना सोचे समझे अपना वोट कास्ट करते हैं इन हेडिंग्स को ध्यान रखिए क्वेश्चन को समझना है हमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ यानी हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए उसके सारे नेगेटिव पॉइंट बताने हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी अच्छी लगती है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं मेरिट में देखिए आर्ग्यूमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी है जो अकाउंटेबल है यानी जिम्मेदार है सेकंड पॉइंट द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी इसमें मैंने बता चुका हूं फ्यूचर में डेमोक्रेसी क्वालिटी इंप्रूव करती है डिसीजन की क्योंकि इसमें बहुत बार डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चुप नहीं रह सकती है पार्टीज को आपस में बात करनी पड़ती है अपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट से नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन यानी सिटीजन के आत्मविश्वास को बढ़ाती है क्योंकि वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लोग आपको बिना पूछे काम नहीं कर सकते फाइनली डेमोक्रेसीदर फॉर्म ऑफ गवर्मेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक ये भी मैंने बताया था कि अपनी मिस्टेक को ठीक करने का चांस देती है जैसे कि जो गवर्नमेंट अगर हार जाती है तो वो पार्टी क्या करती है नेक्स्ट अपोजिशन बैठती है तो एनालिसिस करती है कि मैंने क्या मिस्टेक करी मेरे को क्यों नहीं वोट मिले और वो इलेक्शन में अगले इलेक्शन में इन पॉइंट्स को ध्यान रखती है जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने आपको ऑनियन का प्राइस का बताया था और गुजर आंदोलन का बताया था तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया था उन्हें और उन्हें रिजर्वेशन देने की कोशिश करी थी तो इसलिए उनको विनिंग मिला था फाइनली ये बॉर्डर मीनिंग निकाला उन्होंने कि जो आज की डेमोक्रेसी है उसमें लोग प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बेचते हैं इलेक्शन जीतने के लिए और उनके थ्रू ही सारे काम करवाते हैं और यहां पर एक कार्टून बता रखा है कि हमारे लिए मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट है मीडिया से ही सारी जानकारी मिलती है तो हमें वोटिंग अपना सोच समझ के देना चाहिए यहाँ पर कुछ ऐसा बता रखा है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कभी कभी हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट की बात नहीं करते जैसे यहाँ पर एक कमेंट दिया हुआ है We we are very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a cons consensus. My opinion matter as much as my father. ये कह रहे हैं कि हम ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पर सभी लोग मेरा मतलब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कोई भी decision लेना होता है तो हम बैठते हैं और मेरा ओपिनियन ओपिनियन भी रहता है है है। जैसे मेरे पापा का है। का डेमोक्रेटिक like एलिमेंट क्लास में हम क्वेश्चन पूछें और टीचर्स लाइक नहीं करते हमारे को आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होना चाहिए टीचर्स के अंदर तो यहां पर एक लिंगडो मैडम का एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मैडम सबका सुन रही है उनका रिप्लाई अच्छा दे रही है लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए टीचर्स को स्ट्रिक्टली स्टेप लेना पड़ता है वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी जैसे कह रहे हैं कि आप आ, मेरे को कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में देखेंगे एक फैमिली है गांधी फैमिली फैमिली वो पूरा ही ही डिसीजन ले रही है कंटिन्यू उन्हीं के मेंबर्स लीडर्स बन रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सबको चांस मिलना चाहिए ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी क्या करती है एक एक आइडल पेश करती है यानी आपको एक जैसा हम कहते हैं कि उसके जैसा बनना चाहिए जैसे हम कहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी होते हैं हम एग्जाम्पल देते हैं ना क्लास में भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं पापा भी एग्जाम्पल देते हैं कि उसकी तरह पढ़ो टॉप करो अब्दुल कलाम आजाद जैसा बनो मिसाइल मैन बनो है ना क्रिकेटर बनो तो ऐसे ही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी भी क्या करती है हमारे लिए एक आइडल सेट करती है जैसे इसमें लिखा ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वैन नो वन गोज हंगरी टू बैड यानी हमें लोगों की पॉवर्टी के बारे में सोचना चाहिए यानी कोई भी भूखा नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी तभी आएगी सेकंड पॉइंट कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू पे प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग सभी लोग बराबर रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आपके पास राइट right हो एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन यानी सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए कि लीडर्स क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है बेसिक एजुकेशन यानी उनको एजुकेशन मिलना चाहिए इक्वल रिसोर्सेज मिलना चाहिए और लॉट ऑफ कॉमन कमिटमेंट उन्हें बार बार मतलब तारीफ भी मिलनी चाहिए सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर वन इन पॉलिटिकल साइंस बाय स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क